झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से सूखा राहत मद में 9682 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसे लेकर विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी के साथ नई दिल्ली में कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा से मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री ने भारत सरकार कृषि सचिव से कहा कि साल 2022 में खरीफ मौसम में कम वर्षा और अल्प फसल आच्छादन के कारण राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। इसके लिए राज्य सरकार ने गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से 9682 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। कृषि मंत्री ने आग्रह किया कि इसे लेकर आपदा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए राशि राज्य के किसानों को दी। 9682 करोड़ 79 लाख रुपए का डिमांड झारखंड सरकार की ओर से केंद्र के पास आया है, जो मनोज आहूजा साहब ने प्राथमिक जो है स्क्रीनिंग, उसके बाद उसको होम मिनिस्ट्री में अप्रूवल के लिए भेजा है। उसका फलाफल जल्दी निकले इसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि किसान वहाँ काफ़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और समय पर पैसा मिलेगा तो अच्छी खासी खेती कर सकेंगे और पलायन से अपने आप को रोक सकेंगे। दूसरा पॉइंट था आत्मा के तहत जो बजट है, आत्मा ATM BTM PD या फिर उससे जुड़े किसान मित्रों को प्रोत्साहन को लेकर,